हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अमेजिंग अनाया। तो आज हम रिव्यू कर रहे हैं झूले का, तो देखते हैं वीडियो में हमारे कैसा है ये झूला। तो शुरू करते हैं। ये जो झूला है ये कॉटन का है, वेलवेट से कवर्ड है, कलरफुल है। कलर ऑप्शन हमको इसमें काफ़ी सारे मिल जाते हैं, तो वो हम ऑनलाइन देख सकते हैं या शॉप पे जाके भी देख सकते हैं कि हमको कौन सा कलर चाहिए। और प्रिंट में इस पर मिक्की माउस का प्रिंट है, बच्चों को काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है, तो इसलिए हमने इस प्रिंट का पसंद किया है ये झूला। तो इस झूले की जो है एक ये सीट है और ये है बैक रेस्ट, तो ये आपस में अटैच्ड ही है। बीच में एक सिलाई लगी है, पीलो के आकार का है और इस टाइप से हम इसे लगा सकते हैं। अब जो ये इसका सीट है ये 15x15 इंच का है और इसमें एक वुडन का हैंडल दे रखा है जो कि वेलवेट से ही कवर है, और एक बेल्ट है ताकि बेबी इसमें दोनों तरफ पैर निकाल के और हैंडल को पकड़ के आसानी से बैठ सके। और इसकी बैग जो है, इसमें बैग में एक सेफ्टी बेल्ट है जिससे आप अपने बच्चे को लॉक कर सकते हैं, और ये भी 15x15 इंच का है। और इसकी थिकनेस देखें तो ये 4 इंच की इसकी थिकनेस है, काफ़ी सॉफ्ट है। अगर आप आपके बेबी को इस झूले में बिठाते हैं तो उसे कोई रैशेस नहीं होंगे, कोई रेडनेस नहीं होगी, क्योंकि इसका मटेरियल काफ़ी सॉफ्ट है और ये काफ़ी कंफर्टेबल है। इसके दोनों तरफ ये रस्सियाँ लगी हुई हैं जो अच्छे से बाइंड हुए, ताकि बच्चा साइड में अगर झुकता है तो भी वो गिरेगा नहीं झूला झूलते समय। तो ये काफ़ी अच्छे से इसमें ये दोनों साइड रस्सियाँ दी हुई है। हैंगिंग के लिए इसमें ये हुक दिया है, ऊपर की तरफ भी एक इसमें वुडन की रिप लगी हुई है, उस पर वेलवेट कवर है, तो इससे आप इसको अप एंड डाउन कर सकते हैं, ये थोड़ा मूवेबल है। और इसमें एक रस्सी दी है, रस्सी की लंबाई थोड़ी छोटी है, ऊपर एक हुक दिया हुआ है, इससे आप हैंगिंग कर सकते हैं, इसको कहीं पर भी हैंग कर सकते हैं। और रस्सी की लंबाई थोड़ी छोटी होने के कारण अगर आप इसे घर में छत पर या बालकनी में लगाना चाहते हैं तो उसके ऊपर आपको कुछ अटैचमेंट करना पड़ेगा। तो इस झूले को आप इनडोर, आउटडोर, बालकनी, होम, गार्डन कहीं पर भी लगा सकते हैं, या कहीं आप बाहर आउटिंग पे जा रहे हैं तो किसी भी ट्री की ब्रांच पे भी आप इसे लगा सकते हैं, तो आपका बेबी इसमें काफ़ी इंजॉय करेगा। इसमें आप 6 मंथ से 3 ईयर तक के बेबी को बिठा सकते हैं, और ये 20 kg वेट सपोर्ट करता है, 20 किलो तक के बच्चों का वजन ये उठा सकता है। मैं अपनी अनाया को इसमें बिठाकर भी बताऊंगी। अनाया के लिए तो ये झूला हमने घर में ही लगाते हैं ताकि वो उस पर घर के अंदर टीवी देखते देखते हॉल में एंजॉय कर सकते और झूलती रहे। अगर आप ये झूला खरीदना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दूंगी, वहाँ से आप परचेस कर सकते हैं। इसका रेंज भी 500 तक में आपको ये झूला मिल सकता है, उससे कम या ज़्यादा हो सकता है, अलग अलग साइट पर या अलग अलग कलर या चॉइस में इसके प्राइस अलग अलग। इस झूले को टांगने के लिए हमने ये हुक लगाया है ऊपर, और इसकी मैंने जैसे कि बताया आपको वीडियो में कि इसकी रस्सी थोड़ी छोटी है, तो इसके लिए हमने एक एक्स्ट्रा अटैचमेंट के लिए एक रस्सी लगाई है जिससे इसकी लेंथ आई और अच्छे से बढ़ सके, तो आपको बच्चे को बिठाने में प्रॉब्लम ना हो। तो मैं अब झूला लगा कर भी इसमें बताती हूँ आपको। तो जो इसमें हुक दे रखा है, इससे ये झूला मैंने इस पर टांग दिया है, अब इसकी हाइट बढ़ गई है जिससे आपको बच्चे को बिठाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और एक इस झूले में मुझे जो है एक कमी लगी, वो ये है कि जो ये बेल्ट दे रखा है ये काफ़ी वीक मुझे लगता है, अगर आप इसको बिठाते हैं बच्चे को तो ये टूट भी सकता है, इसलिए जब भी आप बिठाएं तो चेक कर लें ये निकल ना जाए, अच्छे से टाइट लगा हो। तो मैंने तो इसे टाइट कर दिया है और शायद मैं इसे चेंज कर लूँगी, अभी मेरे पास ऑप्शन नहीं था तो मैंने उसे अच्छे से सिलाई लगाकर टाइट कर लिया है। तो आप भी इस बात का ध्यान रखना, बाकी इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगी, तो ये झूला काफ़ी अच्छा है और मैं बनाया को इसमें बिठाकर आपको बताऊंगी। तो कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो उसके लिए हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।